ये बताएंगे। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये पहले पढ़ा था कि नहीं, ये चीज, ये बात जो भी की गई है, जो भी टॉपिक डिस्कस किया गया है इंडिपेंडेंसी के बारे में, पहले पढ़ा है कि नहीं कभी? ठीक है, चलिए अब देखेंगे। यहां पर से पढ़े होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। चलिए, तो यहां पर से मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या स्टेटमेंट, अगर मैं लिखना चाहूं, स्टेटमेंट लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं कि इफ, पहला स्टेटमेंट, इफ एन इक्वल्स टू आर, दैट मीन्स क्या ऑल वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, ऑल वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर है? ऐसा मैं लिखूं, ठीक है। एंड सेकेंड लिखता हूं, इफ एन इज, सॉरी, हाँ, एन इज ग्रेटर देन आर, देन इट कंप्राइजेज ऑफ, इट कंप्राइजेज ऑफ क्या, इट कंप्राइजेज ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेयर वेयर आर इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है, और एन माइनस आर इक्वल्स टू डिपेंडेंट वेक्टर्स, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। मतलब ओवरऑल रैंक का मैंने ये यूटिलाइज किया। क्या यूटिलाइज किया कि अगर मैं रैंक निकालता हूं और उसका आ जाएगा आर, ठीक है, यानी कि सारे जितने भी वेक्टर हैं, दैट इज एन जो वेक्टर हैं, ऑब्वियसली एन वेक्टर होंगे उसमें, जो एन वेक्टर्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? और ये भी बात कर रहे हैं, एन इज ग्रेटर देन आर है, देन इट कंप्राइजेस ऑफ डिपेंडेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट। क्लियर है? डायगोनल होगा तो एन को मिनिमम लेंगे। डायगोनल मतलब क्या होगा यार, मेरे को समझ नहीं आया आपका डाउट क्या है। अच्छा, डायगोनल नहीं, रेक्टेंगल होगा। एग्जैक्टली, ठीक है, रेक्टेंगल होगा। देखेंगे, वो जो है ना, रेक्टेंगल बोलते हैं ना उसको आप लोग, रेक्टेंगल हुआ तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि रैंक ऑफ एम क्रॉस एन इस तरीके से है। तो रैंक क्या होता है, जो मिनिमम ऑफ क्या होता है, एम या एन होता है, वही होता है, ठीक है, उससे कम होता है। तो ऑब्वियसली क्या लेंगे, जो मिनिमम है उसको कंसिडर एन किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं बताने ही वाला था आप लोगों को। क्लियर है? डायगोनल अगर आता है स्क्वायर की तो बात आ गई, एन क्रॉस एन हो गया, एम क्रॉस एन हो गया, तो आपको पता है ना, मैंने लिखवाया था रैंक के बारे में रिलेटेड, क्या बताया था कि एम क्रॉस एन है तो उन दोनों में से जो एम में और एन में जो मिनिमम होगा उसके बराबर हो गया, तो उससे छोटा होगा रैंक। मैंने ये डिस्कस किया था आपसे, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या चेक कर लिया कि जो वैक्टर्स हैं आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पढ़ेंगे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से अगर गिवन वेक्टर्स हैं तो इसको क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं, अब और यूज करते हैं कुछ मैट्रिक्स का, दैट इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं यहाँ पर से, होमोजेनस, होमोजेनस, और क्या होते हैं, नॉन होमोजेनस, ठीक है, नॉन होमोजेनस और होमोजेनस। क्लियर है? तो अगर सपोज इस तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, या फिर ऐसे लिख दिया 2x + 3y + 6z इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो इक्वल्स टू जीरो है, यहाँ पे अगर जीरो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, तो इस टाइप के इक्वेशन को बोला जाता है होमोजेनस इक्वेशन। क्या बोला जाता है इस टाइप के इक्वेशन को, होमोजेनस इक्वेशन। वहीं पे यही चीज एक्स प्लस वाई प्लस z इक्वल टू, इसने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है क्या, तो इस टाइप के इक्वेशन को बोला जाता है नॉन होमोजेनस, ठीक है। तो होमोजेनस वो जो यहाँ पे इसके राइट साइड हैंड साइड में जीरो हो, जो यहाँ पे कुछ अगर वैल्यू आ जाती है तो उसको बोला जाता है नॉन होमोजेनस। इन दोनों को डील करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, जो किस तरीके से इनका, अब डील करना मतलब एक तरीके से मैं कहता हूँ इसका सॉल्यूशन ही निकालना अपना मकसद होता है हमेशा, है ना, पता ही होगा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन क्या है ये निकालना होता है अपना मकसद, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला बात करते हैं इसमें, सबसे पहला बात करते हैं होमोजेनस इक्वेशन,
होमोजेनस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, मैं एग्जांपल एक चीज दे रहा हूँ। क्या एग्जांपल ले रहा हूँ? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है और लिखा 2x - y = 0 ले लिया, ठीक है। ये इस तरीके से दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो और 2x - y = 0 लिखा है। चलिए बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, निकाल सकते हैं। मैं इजी क्वेश्चन ले रहा हूं इसीलिए, आप निकाल सकते हैं। बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बताएंगे? अरे बताओ, आसान है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मतलब x और y की क्या वैल्यू होगी जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, x और y की क्या वैल्यू होगी जो कि दोनों को, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वही होता है आपका क्या सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले वाले इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू माइनस वाई लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे अगर मैंने x इक्वल टू माइनस वाई कर दिया तो यहाँ पे लिखूंगा ये हो जाएगा माइनस टू वाई, यानी कि माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, तो यानी वाई इक्वल टू आ गया जीरो, और y इक्वल टू जीरो हो गया तो इस इक्वेशन से दिखेगा कि x इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे दिख गया आपका y इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए ये तो हो गए इस वाले इक्वेशन की बात, ठीक है। वहीं पे एक और इक्वेशन लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और अभी जस्ट मैंने यही लिया था, 3x प्लस 3y इक्वल टू जीरो लिया था मैंने, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, 3x प्लस x प्लस वाई इक्वल टू जीरो और 3x प्लस y इक्वल टू जीरो मैंने ये लिया था, है ना। तो यहां पर से मैं क्या देख सकता हूं आपको, यहां पे क्या लिख सकता हूं, ये जो दिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस y इक्वल टू जीरो, यही तो लिखा है क्या फिर से? यस या नो? फिर से क्या लिखा है इसने, 3 इक्वल टू x प्लस y, यानी कि फिर से उसने यही इक्वेशन फिर से आपको दे दिया, ठीक है। तो यहां पर से मैं एक चीज कह सकता हूं कि यहां पर से, यानी कि इससे एक ही इंप्लाई हुआ क्या, x इक्वल टू माइनस y। अब यहां पे बताएंगे अननोन कितने हैं, यहां पे बताएंगे अननोन कितने हैं, अननोन है आपके दो, ठीक है। अननोन है आपके, यहां पे लिख लेता हूं, अननोन है दो, दैट इज x एंड y, क्लियर है। अननोन कितने हैं, दो। और नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, यहां पे बताएंगे नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ इक्वेशन बताएंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे आपको कितने गिवन है ये बताएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, दो। बहुत बढ़िया, दो दिख रहे हैं आप लोगों को, हाँ। x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये भी तो वही तो लिखा है यार, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, क्या एक इक्वेशन नहीं दिख रहा आप लोगों को, हाँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन है एक, ठीक है अननोन दो, इक्वेशन है एक, यानी कि क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन है इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, ठीक है। अब इस केस में आप क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस वाई दिख रहा है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज यहाँ पे मैं सपोज ऐसा लेता हूँ, वन और माइनस वन लेता हूँ, क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ क्या, वन और माइनस वन मैंने लिया तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ क्या, ठीक है। 2 एंड माइनस टू ऐसा लिया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ क्या, 3 माइनस थ्री लिया, 4 माइनस फोर लिया, 5 माइनस फाइव लिया एंड 6 माइनस सिक्स लिया, क्या सारे केस में इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस या नो? सारे केस में इक्वेशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि ये इसके क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इतने सारे हैं, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका सिम क्या हो गया, एक ही सॉल्यूशन है, दैट इसको बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन हो गया। ये तो हो गई बात लीनियर अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। क्या हुआ, लीनियर अलजेब्रा के बारे में। अब हर बार आपको देखेंगे कि ये दो इक्वेशन बस नहीं देगा आपको, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना मैट्रिक्स का यूज क्या किया जाता है, बहुत सारे 50, 60, 70 इक्वेशन देखे दिए जाएंगे आपको, आप ये चेक करते बैठे रहेंगे कितना कॉमन निकल रहा है, कितने क्या निकल रहे हैं, ये चेक करेंगे आप, क्या करेंगे वहां पे पता है। अब आपको दिख रहा होगा मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊ, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि ये दोनों इक्वेशन किस टाइप के इक्वेशन है, दिख रहा होगा किस टाइप के हैं इक्वेशन, ये याले जो इक्वेशन है ये क्या है, डिपेंडेंट है क्या एक दूसरे पे, यस या नो, क्या है इन दोनों आपस में, डिपेंडेंट है। यहीं पे बात करेंगे तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है याले इक्वेशन,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये जो लिखने वाला था दैट इज क्या लिखा था यहाँ पे यार, 2x - y, ये क्वेश्चन अपने इन दोनों से आपस में, इन दोनों कोई लेना देना है, कोई रिलेशनशिप नहीं इन दोनों के बीच में। आप रिलेशनशिप बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ये जो इक्वेशन है ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्लियर है। और यहाँ जो इक्वेशन है क्या है, इन दोनों आपस में डिपेंडेंट इक्वेशन है, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो डिपेंडेंट इक्वेशंस के जितने होते हैं उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और इंडिपेंडेंट अगर इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट इज x=0 और y=0, ठीक है। तो यानी कि अगर इसे मैट्रिक्स का मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहूँ तो इंडिपेंडेंट वाले में क्या होने वाला है, रैंक जो भी मैं निकालूँ क्या r=n आएगा, यस या नो बताएं। इस केस के लिए क्या होने वाला है, r=n होने वाला है। और इस वाले केस के लिए क्या होने वाला है, r < n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट वैक्टर है, यानी कि इन्फोनाइट सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर हुआ बात, समझ में यहाँ तक? सीधी सी बात है, पिछले ही कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे पुट किया है। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट है, यानी कि r = मैंने लिखवाया था ना, r = n है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट है इक्वेशंस, मैंने पिछले में जस्ट लिखवाया है। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, जितने भी इक्वेशंस दिए हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने के बाद आप उसका रैंक निकालते हैं। अगर उसका रैंक नंबर ऑफ इक्वेशन दैट इज एन के बराबर आ जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि सारे इक्वेशन इंडिपेंडेंट है और उसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, क्लियर है, दैट इज 0 0 आने वाला है, ठीक है, यस या नो, ठीक है। और रही पे बात करेंगे x+y = 0, 3x+, ये इस तरीके से अगर जितने भी इक्वेशन गिवेन है उसमें इतना अगर इस तरीके से लिखा गया, और अगर r < n आ गया, इसका मतलब सीधी सी बात है उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने वाले हैं। कहानी समझ में आई पूरी? किसी को नहीं आई तो बताएंगे यार, मतलब आपका अल्टीमेट क्या गोल हुआ यहाँ पे। जितना भी इक्वेशन गिवेन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करो, 60 70 80 90 जितने इक्वेशन है उसको अरेंज किया मैंने, और उसको क्या किया मैंने, इसके जितने भी वेरिएबल हैं उसमें उसको मैं उसका रैंक निकालूंगा, ठीक है। और रैंक निकाल करके मैं चेक करूंगा कि उसका ऑर्डर जो है सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ गया मतलब कि सारे इक्वेशन उसके 0 0 हो जाएंगे, मैं सीधा आपको बोल दूंगा कि भाई इसके सारे इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इसके रैंक आ रहे हैं उसके ऑर्डर के बराबर आ रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि अगर इसका क्या कहते हैं, सपोज ये डिपेंडेंट आ गया दैट इज r < n आ गया, इसका मतलब सीधा सीधा बात करूंगा कि इसके सारे इक्वेशन जो है इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके आने वाले हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो इस कारण से भाई तुम निकालते बैठे रहना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितने भी आने वाले हैं, क्लियर है। तो अगर मैं स्टेटमेंट यहां पर से ये लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं बताएंगे, देखेंगे एक चीज और है ना। अब मैं कुछ और थोड़ा सा एक कुछ टर्म्स और यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान, जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ टर्म और यूज करने वाला हूँ। तो सपोज अभी जो मैंने दिखाया ना कि x = 0 एंड y = 0, इसको इस फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, इसको इस तरीके से दिखाएंगे। और ऑब्वियसली z = 0, तीन थ्री डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा आएगा 0 0 एंड 0 इस तरीके से। और इसको ऐसा दिखाएंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन को बोला जाता है ट्राइवियल सॉल्यूशन, क्या बोला जाता है इसको, ट्राइवियल सॉल्यूशन, दैट इज 0,0,0, क्लियर है, दैट इज ये है आपका ट्राइवियल सॉल्यूशन है, क्लियर है। और वहीं पे बात करते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है 2 3 5 आ रहा है तो इसको बोला जाएगा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्राइवियल या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके बारे में। अच्छा अब दो टर्म और आते हैं, क्या आते हैं आपका, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड आता है आपका इनकंसिस्टेंट, इन कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बताएंगे, कंसिस्टेंट का मतलब होता है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस जो नंबर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब बताएंगे ये होमोजेनस इक्वेशन गिवन है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये होमोजेनस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा हो सकता है क्या, क्या होमोजेनस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो सकता है क्या, होमोजेनस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो सकता है क्या,
मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूँ, सपोज आ गया x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 0, 100x प्लस 99y प्लस 104z इक्वल्स टू 0, या फिर लिखूँ x बटा 10, सपोज x बटा 10 प्लस y बटा 1000 प्लस z बटा 10 पावर 6 इक्वल्स टू 0। वॉट एवर बी द कोफिशियंट, आप यहाँ पे एक चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या ये हमेशा 0 0 0 इसका सॉल्यूशन रहेगा क्या? क्या बताएंगे, हमेशा जो भी इक्वेशन दिख रहा है होमोजेनस, मतलब कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, है ना? आप बताइए 0 0 इस सारे जो भी इक्वेशन या जो भी कोफिशियंट डालो, क्या ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर देगा क्या? नो सर, क्यों बोल रहे हो यार, 0 डालो, चलो 0 डालो, 0 0 तो ऑब्वियसली 0, ये भी 0 0 0 0 0 0, सीधी सी बात है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू हमेशा आपका 0 ही आने वाला है, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू। यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मतलब कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ठीक है ना? सॉल्यूशन तो वही होता है ना, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी कोफिशियंट दे दे, इस केस में इसका सॉल्यूशन हमेशा एक रहेगा, जो कि वो होगा 0 0 0। एक सॉल्यूशन ऑब्वियसली हमेशा रहने वाला है। नो सर, क्यों बोले ये बताओ तो यार मेरे को, सामने सामने दिख रहा था सब चीज। नो सर क्यों बोले कि नो सर इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा 0 0। कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो यानी कि एक तरीके से कह सकता हूं, होमोजेनस इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्वियसली इसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाला है, दैट इज वन एक सॉल्यूशन होगा जो कि हो जाएगा 0 0 0, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे मैं सीधी सी बात है, इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात ही नहीं करूंगा। किसके बारे में? जब होमोजेनस होगा, लीनियर होमोजेनस इक्वेशन होगा, तो मैं किसी भी हाल में इस 0 0 होगा हमेशा सॉल्यूशन, तो उसकी इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात ही नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? इसका हमेशा एक सॉल्यूशन प्रोवाइडेड मिलेगा, दैट इज 0 0 0, एक सॉल्यूशन तो होगा, ठीक है? अब इसका लिए चेक करने के लिए फिर ऑब्वियसली अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो होने वाले हैं, अब देखेंगे कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो क्या करेंगे, अगर आर इक्वल्स टू एन आ गया तो प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है मतलब कि सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, यही सॉल्यूशन होगा 0 0 0। इसका मतलब सीधी सी बात है, सारे वेक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है? बात समझ में आई? नहीं, कंसिस्टेंट में हमेशा एक सॉल्यूशन नहीं होता है, कंसिस्टेंट के मतलब सॉल्यूशन होता है, ठीक है? ये बस मैटर करता है, ठीक है? इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट का मतलब यही होता है, ओके? आर इक्वल्स टू एन मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन जो कि ये होगा, ठीक है? और सेकेंड चीज मैंने क्या बताया, आर इज लेस देन एन, तो यानी कि क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैंने बताया ना कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जो कि इस तरीके से होगा, अगर आर इज लेस देन एन है, ठीक है? अच्छा, इसका मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ, सपोज कोई मैट्रिक्स ए मेरे पास है, ए मैट्रिक्स का मैंने रैंक निकाला है ना, दोनों का रैंक निकाला, इसका मतलब मैं निकालना चाहूँ, अच्छा मैं बताएंगे ए यहाँ पे सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, ए यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट केस अगर आर इक्वल्स टू एन आ जा रहा है, तो ए सिंगुलर है या नहीं है, ए सिंगुलर है या नहीं है, बताएंगे, ए सिंगुलर है या नहीं है? रैंक का डेफिनेशन याद करो, क्या होता है रैंक का डेफिनेशन, रैंक इक्वल्स टू एन आ गया, यानी कि जितना था उसी टाइम पे क्या हो गया, वो उसी टाइम पे क्या हो गया, जितना भी साइज था उस टाइम पे वो नॉन जीरो वैल्यू आपको गिवन दे दिया है ना, यानी कि ए जो होगा नॉन सिंगुलर होगा इस केस में। बात समझ में आई, क्या होगा, ए जो होने वाला यहाँ पे नॉन सिंगुलर होगा यूनिक सॉल्यूशन के केस के लिए, यस या नो? थोड़ा दिमाग लगाओ क्यों ऐसा बोल रहा हूं। अगर आर इक्वल्स टू एन आ गया, यानी कि सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है इस तरीके से, ऐसा 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 जो भी, ऐसा 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 कोई भी मैट्रिक्स 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, तो अगर मैं बोलता हूँ इसका ऑर्डर है 3, और आपका रैंक भी आ गया, क्या आ गया यहाँ पर से, 3 आ गया, और रैंक का डेफिनेशन क्या है, रैंक का डेफिनेशन ये होता है कि जो रैंक का डेफिनेशन ये होता है कि लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर, लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर,
तो लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर क्या है, ये खुद होने वाला है, यानी कि अगर रैंक अगर नॉन जीरो हो गया यानी तीन आ गया, यानी कि मैक्सिमम साइज लार्जेस्ट थ्री आ गई और इसको नॉन जीरो होना पड़ेगा तभी इसके रैंक थ्री आएगी, ठीक है। ये थ्री जीरो नॉन जीरो हो गया तो यानी कि ए आ गया, सिंगुलर नहीं होगा। अमर सब मिक्स हो गया बोल रहे हैं। अच्छा यार, मिक्स होने का सबसे अच्छा तरीका है उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। आप जब शुरुआत में बचपन में पढ़े होंगे ना ABCD, तो भी आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे क्यू फॉर क्या था, जेड फॉर क्या था, एस फॉर क्या था, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे मेरे क्या कहते हैं कंफ्यूजन हो जाते थे, जब उसको बार बार पढ़ते जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होता उसके, आप उस चीज के साथ आप खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बार बार पढ़ना इस चीज को, यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है यार, ए सपोज कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। मैट्रिक्स के बारे में बात किया जा रहा है, पिंकी ने कहा है सर ए यहाँ मैट्रिक्स नहीं है। मैंने ए बोला था सर, ए कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसका रैंक निकाला, तो बताइए ए सिंगुलर है, नहीं बोला है मैंने। सारी चीजें मैट्रिक्स के इर्द गिर्द घूम रही है, तो मैंने क्या कहा सिंगुलर मैट्रिक्स में। अच्छा सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बताएं, सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताएं, क्या सिंगुलर मैट्रिक्स के क्या होता है, ए इक्वल टू जीरो होना होता है क्या, ये होता है तब जाकर के सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर ए जीरो हो गया तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके छोटे वाले के पास जाना पड़ेगा, इसके दैट इज 2 बाई 2 के सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली इसका रैंक तो 3 नहीं आने वाला है, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो लेकिन क्या कह रहा हूँ, रैंक जो आ रहा है उसके ऑर्डर के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। रैंक तो सीधा सीधी बात बोल रहा है, ऑर्डर के बराबर आ रहा है, यानी कि ये ही जो जो टर्म है दैट इज आपने जो ऑर्डर लिया है ये जीरो नहीं आना चाहेगा। नॉन जीरो क्या होता है रैंक यार, लार्जेस्ट नॉन जीरो रो, नॉन जीरो लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर, यही होता है क्या आपका रैंक। तो ये दिख रहा होगा कि ये जो है अगर इसको रैंक 3 लाना है तो इसी टर्म को जीरो नहीं होना, दैट इज नॉन जीरो होना पड़ेगा, तब जाकर के उसका क्या आएगा, रैंक 3 आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस चीज को बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ओके। और इस चीज के लिए क्या हो जाएगा, ए जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा इसका एन से नीचे जाएगा, तब जाकर के वो नॉन जीरो वैल्यू आ मिलेगी जो कि आर पे मिलेगी। समझ में आया यार, इतना मेरा तो मैं अपने पढ़ने के लिए नहीं करता था, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ सभी को अच्छे से, चलिए ओके। ये तो हो गई क्या बात, लीनियर होमोजेनस इक्वेशन के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट बताने का यही लॉजिक था, सीधा सी बात कि क्या करना था आपको, कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है या फिर कोई नंबर ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, आप उसको अरेंज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में और उसको रैंक निकालेंगे, और रैंक निकाल के चेक करेंगे कि अगर आर इक्वल टू एन आ गया यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर वो होमोजेनस इक्वेशन है और यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यानी कि ऑब्वियसली वो 0,0,0 उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर r इज लेस देन n आ जाता है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, दैट्स इट। और बहुत सारे उसके सॉल्यूशन होंगे, क्लियर है। तो आपको होमोज कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप क्या करना है उसको बस मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर देना, और उसके बाद उसको क्या करना, रैंक निकालना, और चेक करके बता देना कि इसमें क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। आपको बस यही पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है ओके। चलिए, और ये आपको पता चल गया ना यूनिक सॉल्यूशन क्यों आने वाला है, क्योंकि ये पूरे जो भी आर इक्वेशन है ना, यानी कि आर आपको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन बताता है, इंडिपेंडेंट हो गया यानी कि इसके सॉल्यूशन यूनिक आने वाले हैं, और अगर वो डिपेंडेंट हो गया तो इसके सॉल्यूशन क्या है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने वाले हैं, क्योंकि इक्वेशन जो होने वाला है वो लेस देन क्या है, अननोन है, तो बहुत सारे इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक ही क्वेश्चन है फिलहाल तो डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग बताएंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन आपको बस चेक करने को बोला जाएगा, ठीक है। अदर्स मैं जहां पढ़ा था ना कोचिंग का, इसमें ये इस तरीके से पूरा अच्छे से नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ बोल दिया था कि रैंक निकालिए, उस इक्वेशन को बताएंगे, रैंक निकालो और उसको चेक कर दो कि एन अगर लेस देन एन आर, आर जो निकाल रहे हैं रैंक आ रहा है वो अगर लेस देन एन आ रहा है तो सीधा सीधा हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, और आई प्लस टू एन आ गया तो दैट इज यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, इतना कह के रटवा दिया गया था। अब ये नहीं बताया था कि क्यों इतना इस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा था, क्यों उसमें क्या कहते हैं क्यों उसमें डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया गया था, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मैंने बोल दिया क्वेश्चन ना, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दैट इज कौन कौन से हैं, 2x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, और x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, और क्या दिख रहा है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। आपको क्या बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, या कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, डेटा इनसफिशियंट है, सीधी सी बात है। आपको ये जो इक्वेशन गिवेन है इसके बारे में डिस्कस करना है। जी कंसिस्टेंट है और आगे, अरे कंसिस्टेंट तो है अमर, हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, होमोजेनस इक्वेशन है तो कंसिस्टेंट हमेशा रहने वाले हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन तो होने वाला है ना। आपको बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है, अमर का कहना है यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, कितने बजे तक बैठ पाएंगे आज ये बताएंगे मेरे को, टाइमिंग बता देंगे कितने बजे तक बैठ सकते हैं, उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। इनफिनाइट टाइम तक बैठ सकते हैं, क्या बात है। चलिए छह से क्लास चल रही है, मेरे को पता है, आप शायद 5:30 से क्लास चल रही है ना। वीरेंद्र कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, चलिए चेक करते हैं क्या आता है यहाँ पर से। वन सॉरी, ये आ गया 2 1 1। ठीक है, ये आ जाएगा 0 x1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ पे इसको मैं लिखा सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस 0 x3। ठीक है, तो यहाँ पर से आ जाएगा ये 0 1 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 1 0। इस तरीके से ये आपको मिलेगा मैट्रिक्स। ठीक है, मेरा आदत है कि हमेशा मैं ऊपर जो जो भी रहता है उसको मैं ऊपर छोटे को ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, R3 के प्लेस पे लिख दूंगा मैं R1। ठीक है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, और एक काम करते हैं, और चीज़ और एक और चीज़ कर लेता हूँ साथ ही साथ, R2 के प्लेस पे मैं इंटरचेंज कर देता हूँ R3 को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से चेक करेंगे, मैंने इसको ऊपर ले गया R3 को, मैंने ले गया R1 की जगह पे, आ जाएगा 1 1 0। ठीक है, और R2 के प्लेस तो यहाँ पे आ गया, R3 के प्लेस पे चले गया R1, दैट इज यहाँ पे आया 2 1 1, और ये ऊपर चले गया, दैट इज 2 1 1 और 0 1 माइनस 1। इस तरीके से ये आपका आ गया। अच्छा ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जल्द दिख रहा होगा। ओके चलिए, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, रैंक निकालता हूँ, इसमें आसानी पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो 0 मिल गया, अब अगला काम मैं करूंगा यहाँ पे 0 निकालने का, तो मैं क्या करूंगा, R2 के प्लेस पे लिखूंगा R2 माइनस 2 R1, ऐसे लिखूंगा, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 1 1 0। ठीक है, यह आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद R2 के प्लेस पे 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू R1, 1 माइनस 2 इंटू R1 -1 आएगा, और 1 माइनस 0 दैट इज 1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 माइनस 1, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगला टर्म क्या करूँ करने वाला हूँ, R3 के प्लेस में लिखने वाला हूँ R3 प्लस R2, तो यहाँ पर से आ जाएगा 1 1 0, 0 माइनस 1 1, और ये आ जाएगा 0 0 0, दिख रहा है क्या। ठीक है, यहाँ पर से यानी इसका रैंक कितना आ गया, यहाँ पर से रैंक आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2 है, विच इज लेस देन क्या है, एन, विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर से क्या हो जाएगा, रैंक जो है आप लोगों का क्या हो गया, रैंक 1 से 2 आ गया, यानी कि इसमें डिपेंडेंसी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें डिपेंडेंट होंगे कोई भी इक्वेशन, और जो करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आई,
दैट इज कितने मिलेंगे, इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए, क्योंकि आर जो है वो लेस देन एन आ गया। अब आप एक काम करिए, उस इक्वेशन को देखिए जो मैंने इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन को देखिए, टू जो भी था दैट इज 2x1 x2 x3 और जो वॉट एवर भी था, आप उसको देख करके बता पा रहे हैं क्या, ऐसे सीधा आंख से देख करके बता पा रहे हैं क्या कि वो जो आपस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, बता पा रहे हैं क्या? नहीं बता पा रहे ना, और आप देख रहे हैं इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि हाँ ये भाई डिपेंडेंट है। बात समझ में आई? दिख गया आपको, रैंक से निकाला और डिपेंडेंट, तो इसका यूज होता है किसमें, मैट्रिक्स का इसमें यूज होता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैंने बताया था ना मैट्रिक्स का यूज क्या है, तो यहाँ पे है, और भी चीजें आएंगी निकल के क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नॉन होमोजेनस के बारे में जितने भी बारे डिस्कस किया, जितना भी टॉपिक डिस्कस किया, सभी को समझ में आया, यस या नो? देखिए कंफ्यूजन वन्फ्यूजन थोड़ा बहुत होगा और बहुत सारी चीजों में भी होता रहेगा। ठीक है, रैंक 3 आ रहा है, आप देखिए ना, मैं सॉल्यूशन निकाल के 2 निकाल दिया भाई, देखिए अमर रैंक को देखेंगे मैंने कुछ क्या, सॉल्यूशन निकाल के 2 आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, चेक करेंगे मैं, यानी रैंक 2 आ सकता है, पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं था कि मैंने बुक से देखा आंसर, ये मेरे पास खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा यहाँ पर से मैंने क्या देखा, ये देखा, क्या देखा यहाँ पे, मैं इसको 0 पहले करना चाहता हूँ, फिर इसको 0 करना चाहता हूँ, फिर अगर बनता है तो फिर मैं इसको 0 करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर इस तरीके से करते हैं वो एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, अगर वो एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सीधा सीधा बात आ जाएगा, आपको रैंक निकल जाएगा वहां पर से। वही बताया, रैंक निकालने का तरीका यही है, पहले इसको 0 करो, फिर इसको 0 करो, फिर इसको 0 करो, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते जाओ, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाते जाओ। थर्ड इक्वेशन लिखिए, तो थर्ड इक्वेशन क्या था, x1 + x2 = 0, यही था क्या? हाँ यही था, x1 + x2 = 0 था। R3 गलत कर दिए थे, मैं क्या लिख दिया था R3 को, नहीं, x1 + x2 = 0 लिखा है मैंने, क्या देखेंगे सभी कोई, x1 + x3 = 0 कर दिया था क्या मैं? ठीक है, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, मैं खुद आके चेक करूंगा। ठीक है, अगर मैंने गलत लिखा है तो ये ध्यान रखें, वो था थर्ड जो था, मैं जो भी लिख देता हूँ फिर से, ठीक है, ये था 2x1 + x2 + x3 = 0, ठीक है, और है आपका 0, दैट इज x2 - x3 = 0, और अगला इक्वेशन है x1 + x2 = 0। ठीक है, ये मैंने लिखा था, ये तीन चीजें मैंने लिखी थी, आधे बोल रहे हैं कि यही लिखे थे गलत, जो भी वॉट एवर, ये तीन इक्वेशन से इसी से बन रहा है। ठीक है, परेशान मत होंगे, अब जाकर के फिर से बना के देख लेंगे, जिनको लग रहा है मैंने गलत लिखा था फिर से करेंगे तो आपको आप ही का प्रैक्टिस हो जाएगा वो चीज। ठीक है, फिर से खुद अपना एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आएगा, इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन मिल गया। आपको देखे होंगे कि उस इक्वेशंस को देखने से आपको पता ही चला था कि आपस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, बट आपने रैंक के थ्रू आपको ने कमिटमेंट दे दी, क्या स्टेटमेंट दे दिया कि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा दूसरा नॉन होमोजेनस के बारे में, उसको फिर से 25 मिनट लग जाएगा, 20 से 25 मिनट डिस्कस किया जाए क्या? योगेश का कहना है, चलो वोटिंग करो यार, आज वोटिंग करो। ओके ठीक है, ठीक है, चलो ओके ओके ठीक है। यहाँ पे योगेश को करारी हार मिलती हुई, सिर्फ एक वोट उनके पक्ष में आया है, बाकी सभी ने कल का आंसर किया है। ठीक है, तो बाकी चलो कल करेंगे, अभी तक जितने भी बारे में समझ में आया सभी को, ठीक है, जितना भी टॉपिक आज हमने पढ़ा सभी को क्लियर हुआ, यस या नो? देखना मैं अभी कुछ टाइम पे जब आप लोगों का टेस्ट होगा ना, तो निगेटिव मार्किंग भी रखूंगा, क्वेश्चन भी अच्छे दूंगा और टाइम कम दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म करें। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा माइंड को प्रिपेयर करेंगे, और जो भी क्वेश्चन अभी करता हूँ खुद से बना करके को ट्राई किया करें, और साथ ही साथ हर बार थोड़ा, जब भी आज जैसे मैंने जो भी पढ़ाया ना आज, इसको खुद से आधा घंटा और फिर से देखा करें,
मैं जैसे ही मैट्रिक्स कंप्लीट होगा मैं फिर तो अगले दिन ही टेस्ट ले लूँगा इसका, ठीक है। और अभी नॉन होमोजेनस बचा है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बचा है, और एक हो सकता है 2 या 3 क्लास, 2 या 3 क्लास, मतलब आज क्या हो गया, 21st हो गया ना, मोस्ट प्रोबेबली 24 का आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। ओके और क्या है सर, प्लीज़ एक का डिटरमिनेंट निकाल लें नॉर्मल कैलकुलेशन से। डिपेंडेंट का क्वेश्चन भी आता है सर, हाँ पिंकी आता है क्वेश्चन इसका, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए बात क्यों बोल रहे हैं आप, तो आसान है यार। चलिए मैं कल डिस्कस कर लेंगे जो भी बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। रैंक 3 आ रहा है, अच्छा चलिए एक काम करते हैं क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज टाइम हो गया टाइमर, फिर बैठेंगे फिर 10-5 मिनट चले जाएगा, ओके। या फिर मैं आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ सीधा, आप व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। क्या सभी को अब थक गए, लोग जाने का सोच रहे हैं, और रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑफ कर दी है, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करी तो नया फिर बनेगा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती तो वहाँ पे स्पेस ज़्यादा जाता है उसमें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और टाइम पे सबको आ जाया करो, ठीक है। हालांकि आप सभी टाइम पे आ जाते हैं, बट टाइम पे आ जाया करो, मैं जैसे टाइम पे आता हूँ तो, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और जा करके पढ़ेंगे जो भी रिकॉर्डिंग होती है ना, जाकर के थोड़ा देर में अभी अपलोड हो जाएगा 4-10 मिनट बाद, फिर से उसको फिर से जाकर एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आधे घंटे ही लगेगा मैक्सिमम, आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़, तो आपको कन्फ्यूजन जो वाली बात बोलते हैं ना वो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे जाके पढ़ेंगे, गुड नाइट।